हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपका प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के वाक्य लिखवाने वाला हूं, जो कि हिंदी के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये हमारी तीसरी वीडियो है। यदि आपने हमारी पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे के बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, हमारा पहला वाक्य है, जो अपनी जगह से न डिगे उसे क्या कहते हैं? अडिग। जो अपनी जगह से न डिगे उसे क्या कहते हैं? अडिग। दोस्तों देखिए, आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित किया होगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप जीवन भर संघर्ष करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हैं, आप अपना लक्ष्य नहीं भूले हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप अपने स्थान से नहीं हटे हैं। तो आप क्या हैं? आप अडिग हैं। आप क्या हैं? अडिग। तो जो अपनी जगह से न डिगे उसे क्या कहते हैं? अडिग कहते हैं। क्या कहते हैं? अडिग। दोस्तों, हमारा दूसरा वाक्य है, न टूटने वाला को क्या कहते हैं? अटूट। न टूटने वाला को क्या कहते हैं? अटूट। अब दोस्तों देखिए, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई होंगी और उन समस्याओं का आपने अच्छे से समाधान किया होगा, बिना डरे बिना टूटे अच्छे से उन समस्याओं का समाधान किया होगा। तो जो व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं को बिना डरे बिना टूटे समाधान करता है, उस व्यक्ति को अटूट कहा जाता है। क्या कहा जाता? अटूट। कि ये व्यक्ति अटूट है, इसने अपने जीवन में हर एक समस्या का समाधान अच्छे से किया है, बिना डरे बिना टूटे। तो न टूटने वाले को क्या कहते हैं? अटूट। क्या कहते हैं? अटूट। दोस्तों, हमारा तीसरा वाक्य है, आड़त का व्यापार करने वाला को क्या कहते हैं? आड़तिया। आड़त का व्यापार करने वाला को क्या कहते हैं? आड़तिया। दोस्तों देखिए, जो व्यक्ति गेहूँ, मूंगी या अन्य किसी खाद को बेचने या खरीदने के लिए बीच में दलाली करता है या आड़त का कार्य करता है, उसे आड़तिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आड़तिया कहा जाता है। जो किसान के बालक हैं या जो किसान होता है, वो अपने गेहूँ मंडी में बेचता है, तो मंडी में कौन बिकवाता है? आड़तिया बिकवाता है। ठीक है, वो क्या करता है? बीच में दलाली करता है। तो जो बीच में दलाली का काम करता है खाद्य सामग्री में या गेहूँ या मूंगी बेचने में, जो बीच में दलाली का कार्य करता है, उसे ही आड़तिया कहा जाता है। तो आड़त का व्यापार करने वाले को क्या कहते हैं? आड़तिया कहते हैं। दोस्तों, हमारा चौथा वाक्य है, पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राह्य विभाग या मात्रा को क्या कहते हैं? दोस्तों, अणु। या दोस्तों सीधे शब्दों में कहा जाए, पदार्थ का सबसे छोटी मात्रा को क्या कहते हैं? अणु। पदार्थ की सबसे छोटी मात्रा को क्या कहते हैं? अणु। दोस्तों, पदार्थ जो होता है, उस पदार्थ की जो सबसे छोटी मात्रा होगी, उसे हम क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। क्या कहेंगे? दोस्तों, अणु। दोस्तों, हमारा पांचवा वाक्य है, सीमा का अनुचित उल्लंघन को क्या कहते हैं? अतिक्रमण। सीमा का अनुचित उल्लंघन को क्या कहते हैं? अतिक्रमण। देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है या कोई व्यक्ति अपनी सीमा को लांघता है, तो कहा जाता है कि यह व्यक्ति अतिक्रमण कर रहा है अपनी मर्यादा का, अपनी सीमा का। तो जो सीमा का अनुचित उल्लंघन करता है, उसे क्या कहते हैं? अतिक्रमण। क्या कहते हैं? अतिक्रमण। दोस्तों, हमारा छठा वाक्य है, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि। तो दोस्तों देखिए, जिस व्यक्ति की आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, हम उसे अतिथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? यदि आपका कोई घर में रिश्तेदार होगा, तो क्या उस रिश्तेदार की आने की तिथि आपको पता है कि आपके घर में वह रिश्तेदार कब को आएगा? नहीं पता है ना। तो जिस के आने की तिथि ज्ञात नहीं होती है, उसे हम अतिथि कहते हैं, कि वह व्यक्ति किसी भी तिथि को आ सकता है। तो जिसकी तिथि ज्ञात ना हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिथि।
दोस्तों हमारा सातवां वाक्य है, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को क्या कहते हैं? अनंत कथा। क्या कहते हैं दोस्तों? अनंत कथा। अब दोस्तों देखिए, यदि आप कोई कथा सुनने हैं और उसी कथा के अंतर्गत कोई दूसरी कथा आ जाती है तो उस कथा को अनंत कथा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अनंत कथा। ठीक है दोस्तों, तो किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को क्या कहेंगे? अनंत कथा। दोस्तों हमारा आठवां वाक्य है, जो सबके मन की जानता हो उसे क्या कहते हैं? अंतर्यामी। जो सबके मन की जानता हो उसे क्या कहते हैं? अंतर्यामी। देखिए दोस्तों, यदि आपका कोई दोस्त है और ऐसा दोस्त है कि वो सबकी मन की बात अच्छे से समझ सकता है या जान सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसे मित्र को अंतर्यामी कहा जाता है। दोस्तों हमारा नौवां वाक्य है, आवश्यकता से अधिक वर्षा को क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। आवश्यकता से अधिक वर्षा को क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। दोस्तों यदि आवश्यकता से अधिक वर्षा होती है तो उसे अतिवृष्टि कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपको आवश्यकता से अधिक कोई चीज़ प्राप्त हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? अतिवृष्टि। क्योंकि आपको आवश्यकता से अधिक प्राप्त हुआ है, आपको इतनी आवश्यकता नहीं थी फिर भी आपको प्राप्त हुआ, तो उसे हम क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। दोस्तों हमारा दसवां वाक्य है, किसी बात या कथन को बड़ा चढ़ाकर कहना को क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। क्या कहते हैं दोस्तों? अतिशयोक्ति। किसी बात या कथन को बड़ा चढ़ाकर कहना को क्या कहते हैं दोस्तों? अतिशयोक्ति। देखिए दोस्तों, यदि आपके बारे में कोई बात या कथन बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, जो आपके अंदर गुण हैं उन गुणों की भी प्रशंसा की जाए, तो ये कहा जाएगा कि आपकी प्रशंसा में अतिशयोक्ति है। आपकी प्रशंसा में क्या है? अतिशयोक्ति है। तो किसी बात या कथन को बड़ा चढ़ाकर कहना को क्या कहते हैं दोस्तों? अतिशयोक्ति। दोस्तों हमारा ग्यारहवां वाक्य है, जो बीत गया है उसे क्या कहते हैं? अतीत। जो बीत गया है उसे क्या कहते हैं? अतीत। दोस्तों जो आपका बीता हुआ कल है उसे आप क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं, कि वह अतीत तो हमारा बीत चुका है। ठीक है, तो बीते हुए कल को हम क्या कहते हैं? अतीत। दोस्तों हमारा बारहवां वाक्य है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर को क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। इंद्रियों की पहुंच से बाहर को क्या कहते हैं दोस्तों? अतीन्द्रिय। दोस्तों आप जानते हैं कि मनुष्य की 5 इंद्रियां होती हैं, और कोई चीज़ यदि मनुष्य की इंद्रियों की पहुंच से बाहर है तो उसे हम क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतने ही वाक्य आपको लिखवाने थे। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।